हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोशन एंड यू आर वॉचिंग रोशन टेक सिंधी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में LG के एक साउंड बार सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ये सिस्टम आपको 25-26,000 के प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। अभी ये साउंड बार सिस्टम आपको अमेजोन पे 25,000 के प्राइस पे देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफर्स को इंक्लूड करने के बाद ये सिस्टम आपको 21-22,000 के प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स, अगर आप इसको LG के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करते हो तो ये सिस्टम आपको 29,990 के प्राइस पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप प्राइस भी देख सकते हो स्क्रीन पे। तो 29,990 के प्राइस पे ये सिस्टम देखने को मिलता है। ये एक 5.1 चैनल वाला साउंड बार सिस्टम है। इस साउंड बार सिस्टम का नाम है LG S6 5TR 5.1 चैनल। 600 वाट का यहाँ पे आपको पावरफुल पावर आउटपुट देखने को मिलता है। 600 वॉट का पावर आउटपुट देखने को मिलता है। ये एक पावरफुल सराउंड साउंड वाला साउंड बार सिस्टम है। इसमें आपको वायरलेस सबवूफर और दो रियर वायरलेस स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। और यह सिस्टम डॉल्बी डिजिटल के टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है। यानी फ्रेंड्स, आप इस साउंड बार सिस्टम से डॉल्बी डिजिटल का ऑडियो एक्सपीरियंस ले सकते हो। जैसा आपको सिनेमा हॉल में एक्सपीरियंस मिलता है, वैसा ही एक्सपीरियंस आप अपने घर पे ले सकते हो। यहाँ पे आपको एक वायरलेस सबवूफर देखने को मिलता है और दो वायरलेस स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। यानी फ्रेंड्स, अगर आपका रूम साइज़ बड़ा है, बड़े रूम साइज़ के लिए तो डेफिनेटली ये सिस्टम हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपका रूम साइज़ 400 या 500 स्क्वायर फीट का है, 300 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा का रूम साइज़ है, तो डेफिनेटली आपको ये सिस्टम परचेस करना चाहिए। अगर आप एक बेस लवर हो तो डेफिनेटली आपको ये सिस्टम लेना चाहिए। अभी हम इस साउंड बार सिस्टम के फुल स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हमें कनेक्टिविटी कौन सी देखने को मिलती है, क्या आपको ये सिस्टम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो साउंड बार का डिज़ाइन यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साउंड बार का डिज़ाइन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा है। बाकी यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है साउंड बार पे, जिससे आप इस साउंड बार सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हो। और इस साउंड बार सिस्टम के साथ आपको एक रिमोट भी देखने को मिलेगा। रिमोट की मदद से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये साउंड बार सिस्टम 5.1 चैनल सराउंड साउंड के साथ देखने को मिलता है। अगर आपको 5.1 चैनल का रियल एक्सपीरियंस लेना है तो डेफिनेटली आपको इस साउंड बार सिस्टम को कंसिडर करना चाहिए। इस साउंड बार सिस्टम में आपको AI साउंड प्रो देखने को मिलता है, जिसकी मदद से जो भी सीन आपके स्मार्ट टीवी पे चल रहा है उसी सीन को ये सिंक करेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको वैसा साउंड एक्सपीरियंस देने का काम करने वाला है। वैसा साउंड एक्सपीरियंस ये प्रोड्यूस करने वाला है और वैसा यहाँ पे आपको ऑडियो सुनने को मिलने वाला है। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड बार सिस्टम स्मार्ट टीवी के साथ कैसे देखने को मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, इस साउंड बार सिस्टम के साथ यहाँ पे आपको दो रियर वायरलेस स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो इस साउंड बार सिस्टम को इंटरनल पार्ट्स। इस साउंड बार सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स जो है वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने गए हैं। ओके, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो इंटरनल पार्ट्स है साउंड बार सिस्टम के, उसको रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाए गए हैं। ओके, बाकी यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसा इसको बनाया गया है। प्लास्टिक बॉटल्स की मदद से इसको बनाया गया है। ओके, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो साउंड बार सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, इस टाइप का कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पे आपको कंप्लीट स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। फ्रंट फायरिंग यहाँ पे आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं साउंड बार में, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, जिससे यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बाकी अगर हम यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस साउंड बार सिस्टम में आपको HDMI का ARC वाला पोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको USB का पोर्ट मिलेगा
और एक ऑप्टिकल का पोर्ट देखने को मिल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस साउंडबार सिस्टम में आपको ऑक्स वाला पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जो मुझे थोड़ी सी कमी लगी है इस साउंडबार सिस्टम की। ऑक्स वाला पोर्ट देना चाहिए था। बट फ्रेंड्स, अगर आपको डॉल्बी डिजिटल वाला ही एक्सपीरियंस लेना है तो डेफिनेटली आपको इस साउंडबार सिस्टम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि HDMI ARC का पोर्ट मिलता है और ऑप्टिकल का भी पोर्ट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सबवूफर का डिज़ाइन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ओके, तो डिज़ाइन मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा है। ओके, डिज़ाइन और भी इम्प्रूव्ड होना चाहिए था, क्योंकि सेम डिज़ाइन वाला सबवूफर हमने पुराने वाले LG के साउंड बार में देखा था। ओके, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो LG के इस सबवूफर के बैक में हमें ऐसा एक सबवूफर में एक होल देखने को मिलता है, जहाँ से एयर पास होगी और यहीं से आपको बेस सुनने को मिलने वाली है। इस साउंड बार सिस्टम में आपको 6.5 इंच का बेस ड्राइवर देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पे आपको बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको पावर वाला पोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ से आप इसको पावर दे सकते हो, सेपरेट पावर दे सकते हो। और यहाँ पे आपको एक पेयरिंग का बटन देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक एक्टिव वायरलेस सबवूफर है, तो यहाँ पे आपको इस बटन को प्रेस करने के बाद ये साउंड बार के साथ पेयर हो जाएगा। ओके, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें दो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, वायरलेस स्पीकर्स। यहाँ पे आपको मेटेलिक ग्रिल देखने को मिलती है स्पीकर पे, और इस स्पीकर को प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है। ओके, प्लास्टिक के दो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप स्पीकर के बैक में भी देख सकते हो, ये वायरलेस रियर स्पीकर से अगर आपको इनको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिया गया है। ओके, और यहाँ पे आपको एक पेयरिंग का बटन देखने को मिलता है। अगर आपको इस रियर वायरलेस स्पीकर को पावर देनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट वाला जो स्पीकर है, इसको पावर देने के लिए यहाँ पे आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है। ओके, यहाँ से आप इसको पावर दे सकते हो। बाकी यहाँ पे आप कनेक्टिविटी भी देख सकते हो, इस साउंड बार सिस्टम में आपको ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5.3 देखने को मिलता है। और ब्लूटूथ के इस लेटेस्ट वर्जन 5.3 में आपको USB-C और AAC ऑडियो एडवांस ऑडियो कोडिंग का कोडेक का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आपको एकदम हाई क्वालिटी का HD साउंड सुनना है तो डेफिनेटली यहाँ पे इस साउंड बार सिस्टम को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी से भी अच्छी साउंड क्वालिटी सुनने को मिलने वाली है। HDMI का आउट पोर्ट मिलता है, ऑप्टिकल का एक पोर्ट मिलता है, USB का एक पोर्ट देखने को मिलता है, बट ऑक्स का पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जो मुझे इस साउंड बार सिस्टम का सबसे बड़ा कॉन लगा है। बाकी इस साउंड बार सिस्टम में आपको वारंटी कार्ड इंक्लूड मिलेगा, एक रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये साउंड बार सिस्टम वॉल माउंटेबल करना है तो वॉल माउंट के ब्रैकेट भी इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी ये साउंड बार सिस्टम कौन से ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है वो सब कुछ अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिस्टम AAC के कोडेक को सपोर्ट करता है, डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट मिलता है, और DTS डिजिटल सराउंड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ओके, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इस साउंड बार सिस्टम के जो डायमेंशन है वो भी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेन स्पीकर के डायमेंशन कैसा है, रियर स्पीकर का डायमेंशन और सबवूफर का डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है। बाकी इस साउंड बार सिस्टम में आपको 5.1K टोटल चैनल्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्पीकर्स भी देख सकते हो, 6 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको टोटल 600 वाट का पावर आउटपुट इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इस साउंड बार सिस्टम में आपको HDMI ARC का पोर्ट मिलता है, ऑडियो रिटर्न चैनल का पोर्ट मिलता है, और ये साउंड बार सिस्टम HDMI के CEC को भी सपोर्ट करता है। ओके, बाकी यहाँ पे आप पावर भी इसके देख सकते हो, और इस साउंड बार सिस्टम में आपको AI साउंड प्रो का एक साउंड इफेक्ट मिलता है, बास ब्लास्ट का यहाँ पे आपको
का साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपको बेस चाहिए तो बेस को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। सिनेमा मोड मिलता है, क्लियर वॉइस प्रो मिलता है, गेम मोड मिलता है, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड, काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम वेट की बात करते हैं तो इसका ग्रॉस वेट है 12.56 kg, मेन स्पीकर का वेट है 2.5 kg, रियर स्पीकर का वेट है 2.1 kg और सबवूफर का वेट है 5.7 kg। तो फ्रेंड्स, आप इस साउंड बार सिस्टम को कहाँ से परचेस कर सकते हो वो सब कुछ अभी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो अमेज़ोन पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। 25,000 के प्राइस पे ये सिस्टम देखने को मिल रहा है। ओके, अगर आप इसमें बैंक ऑफर्स इंक्लूड करते हो तो 1,250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन से बैंक कार्ड है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, अगर आपको यही साउंड बार सिस्टम परचेस करना है तो आप अभी थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अमेज़ोन का ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल आने वाला है, तो उस सेल में आप इस साउंड बार सिस्टम को परचेस कर सकते हो। अगर आपको ये सिस्टम परचेस करना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।